स्टार्ट कर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अलीम, आपने ज्वाइन किया। बाकी भी दो तीन लोगों को थैंक हमने कम्युनिकेट किया था और वो अपनी मसरूफियत की वजह से शायद ज्वाइन नहीं कर सके, और सबा ने ज्वाइन किया है बट आई थिंक शी इज फेसिंग कनेक्टिविटी इशू। तो मेरी आवाज़ शायद जा रही हो, उनकी आवाज़ मतलब नहीं आ रही, उसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली आपकी जो खिदमात हमने ली हैं, जो सर्विसेज आपने देनी है वीयू हेड ऑफिस में, वो कल से आपको ज्वाइन करना है एट sharp 9 AM, और आप वहाँ पे मौजूद सर। रहेंगे 2:05 PM, 9 to 5 जो एक्चुअल वर्किंग है किसी भी ऑफिस की। उसमें जो काम करना है वो ये है कि एडमिशन की जो पहली एड है वो कल ही आएगी न्यूज़पेपर में, और जब एडमिशन की एड आएगी तो उसके ऊपर जो भी पब्लिश नंबर होंगे, टेलीफोन नंबर, टोल फ्री नंबर, मोबाइल टोल फ्री नंबर, तो उन पे जो है कॉल्स आएंगी, तो आपने जो है वो कॉल्स को रिसीव करना है, और जो कॉलर्स हैं उनको एडमिशन के हवाले से जो भी उनको क्यूरी हो उनकी, उसको इन ए सेटिस्फाइड वे एड्रेस करना है, जवाब देना है। तो इस हवाले से हमारी एक ये जो है वो ओरिएंटेशन सेशन है, ताकि इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लें जो कॉलर्स को या विजिटर्स को आपने बतानी है की क्वेरीज के अगेंस्ट। सभा ने हाथ रेज किया है। जी सभा, कोई इशू है तो बताएं काइंडली, आपको आवाज आ रही है मेरी? सभा, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो मेरे ख्याल आपके कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज हैं, तो आप इसको सुन लें, देख लें, अगर कोई होता है। अदरवाइज ये आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड द सेशन, फिर आपके साथ जो है वो शेयर कर दें। जी तो मैं ये कह रहा था कि एडमिशन कल शुरू हो जाएंगे, और उसके साथ ही स्टूडेंट्स या जो हमारे कैंडिडेट्स हैं या हमारे एप्लीकेंट हैं उनकी कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, और मे बी विजिटर्स इन इट सेल्फ इन पर्सन भी वहाँ पे विजिट करें, तो तमाम लोगों की क्यूरीज को इंफॉर्मेशन डेस्क ऑफिसर जो हैं आप लोग, उन्होंने एड्रेस करना है। वहाँ आपके पास सिस्टम अवेलेबल होगा, कंप्यूटर अवेलेबल होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी। आप हर कॉल्स को जो भी आप वसूल करेंगे या रिसीव करेंगे, आपने उसको केयरफुली रिस्पॉन्ड करना है, और फिर उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है सिस्टम में। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको कॉल कोई बंदा करे तो आपने अपना तारुफ करवाना है, जैसे आप अपना नाम बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, अली मलाक बात कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस इंफॉर्मेशन डेस्क से। जी बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ एडमिशन के हवाले से। तो फिर जो भी उनकी क्वेरी हो वो आपने इनको एड्रेस करना है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ, कॉल करने वाले जो लोग होते हैं वो मुख्तलिफ तबा के लोग होते हैं। उसमें कुछ बड़े डिसेंट लोग भी होते हैं, उसमें कुछ बड़े एग्रेसिव लोग भी होते हैं, उसमें कुछ गुस्से वाले लोग भी होते हैं। तो ये हर तरह के लोग आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। आपने तमाम लोगों को बड़ा पोलाइटली डील करना है। कोई गुस्से में आपसे बात भी करे तो आपने अपना टेम्परामेंट जो है वो लूज नहीं करना। इन ए वेरी मॉडेस्ट वे, इन ए वेरी गुड एंड हम्बल वे आपने उनको ट्रीट करना। अब हम आते हैं एडमिशन के हवाले से जो चीज़ें, ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, और इसके जी सर, साथ विजिबल एडमिशन स्केड्यूल का एक टैब है। एडमिशन का जो मेन टैब है उसके अंडर एक सब टैब है एडमिशन स्केड्यूल का, उसको अगर हम क्लिक करें तो एडमिशन फॉल 2021 से रेलेवेंट जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पड़ी हुई, आपने इसको देख लेना। मिसाल के तौर पे
अगर आप देखें तो ये नजर आ रहा है कि आपने जो है ये एडमिशन स्केड्यूल है, एडमिशन ओपनिंग डेट संडे 29, 2021, लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दी एडमिशन सितंबर 30, और लास्ट टू अप्लाई थ्रू कोर्स एग्जम्पशन रूट सितंबर 30, और उसके बाद वीयू एंट्री टेस्ट फॉर एमएस कंप्यूटर साइंस, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएस बायो टेक्नोलॉजी, बीएस जूलॉजी, डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इनके जो एंट्री टेस्ट होंगे वो 10 अक्टूबर को होंगे, 10 अक्टूबर संडे। ये जो टेस्ट हैं ये कंपलसरी हैं एडमिशन के लिए, और उनमें टेस्ट को क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। उसके बाद फिर मेरिट बनेगा और मेरिट डिस्प्ले होगा, जो लोग मेरिट पे आएंगे। जहाँ पर भी याद रखें टेस्ट इन्वॉल्व है, इट मीन्स के वीयू इज ऑफरिंग एडमिशन इन दीज पर्टिकुलर प्रोग्राम्स ऑन ए वेरी लिमिटेड सीट्स। ठीक है, वो सीट्स जो हैं वो नोट प्लीज हो गए। ठीक, थोड़ा फोकस और कर लें ताकि बोर्ड सही नजर आए। बस अच्छा, तो वो लिमिटेड नंबर्स पे चूंकि एडमिशन होंगे, और उनके लिए जाहिर है मेरिट बेस्ड, जो भी टॉप करेंगे मेरिट पे इन अकॉर्डेंस विद अवेलेबल सीट्स उन्हीं को एडमिशन जो है वो ऑफर करते हैं। रिजल्ट जो है वो एंट्री टेस्ट का वो 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को डिस्प्ले होगा, और फिर मेरिट लिस्ट एमसीएससीएस की और जो भी प्रोग्राम्स 18 अक्टूबर को लगेगी। लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट एमसीएस एंड मेरिट पे वो अक्टूबर 18 होगी। फी सबमिशन डेडलाइन फॉर सक्सेसफुल एप्लीकेंट, ये मेरिट बेस की बात हो रही है, 22 अक्टूबर को होगी। डिस्प्ले ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट ये 25 अक्टूबर, लास्ट डेट फॉर सबमिशन सेकंड मेरिट लिस्ट 29 अक्टूबर, और क्लासेस की जो कमेंसमेंट है वो 1 नवंबर मंडे से इंशाल्लाह होगी। आगे एकेडमिक्स प्रोग्राम की लिस्ट है जो हम फॉल 2021 में ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, बहुत से लोग आपको कॉल करके ये पूछेंगे कि आप मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं कर रहे, वेरी बिग नो। अगला सवाल वो आपसे ये करेंगे कि क्यों ऑफर नहीं कर रहे, तो जवाब ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने चूंकि मास्टर प्रोग्राम जो 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम थे इन्वॉल्विंग 16 ईयर एजुकेशन, उनको चूंकि फेज आउट कर दिया है, क्लोज कर दिया है, इसलिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है इन परसुएंस ऑफ एचईसी नोटिफिकेशन ऑफर नहीं कर रही ये वाले प्रोग्राम। अब यहाँ से एक अगला सवाल वो आपसे करेंगे कि हमने जी बीए किया हुआ है, मास्टर प्रोग्राम आप ऑफर नहीं कर रहे, तो अब बताएं हम फिर क्या करें। उसका जो जवाब है वो ये है कि भाई आप बीएस 4 ईयर प्रोग्राम में अप्लाई करें और आप एंट्री रूट के तहत आए, यानी कोर्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करें एप्लीकेशन देते वक्त, और आप एंट्री रूट अडॉप्ट करें। मतलब ये है कि अगर आपने 14 ईयर एजुकेशन या 15 ईयर एजुकेशन या 16 ईयर एजुकेशन बैचलर वाली आपने जो है वो की हुई है, कंप्लीट की हुई है, तो आप बीएस प्रोग्राम में अप्लाई करें एडमिशन के लिए और कोर्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो इक्विवेलेंस कमेटी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, आपकी क्वालिफाइड डिग्री को देखते हुए फैसला करेगी कि आपको कितने सेमेस्टर या कितने कोर्सेज एग्जेम्प्ट करके आपको बीएस के किस सेमेस्टर में दाखिला देना है। वो हम डिसीजन आप तक कन्वे कर देंगे, उस डिसीजन के बाद आप जो है फैसला करें कि आपने दाखिला लेना है या नहीं लेना। यहाँ पे एक और बात है, कोर्स एग्जम्पशन के लिए 2 तरह के लोग अप्लाई करेंगे, एक ये जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई है बैचलर या हायर डिग्री और वो बीएस में आना चाहते हैं, एक वो लोग जिनकी इनकम्प्लीट डिग्री है, यानी फॉर एग्जांपल वो बीएस बीए किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वहाँ उनके 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए और वो अब वीजो में आना चाहते हैं, तो वो अपनी इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री की बेस पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कोर्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे।
इसका फैसला भी वीजू की जो इक्विवेलेंस कमेटी है वो डिसाइड करके उन्हें बताएगी कि भाई आपके इतने कोर्सेज हम एग्जाम्प्ट करेंगे, अगर आप दाखिला लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फीस जमा करवा दें, अगर नहीं इंटरेस्टेड हैं तो इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो, ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे जो एंट्री रूट वाला लोग हैं, चूँकि मास्टर प्रोग्राम बंद हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं, तो बहुत से लोग जो जी आएंगे इस रूट के तहत उनको आपने बताना है कि आप अप्लाई करें, एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त वहाँ पे जो एंट्री रूट है उसको सेलेक्ट करें और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वहाँ पे अपलोड करें, और उसके बाद इक्विवेलेंस कमेटी जो है वो आपको बताएगी कि आपके कितने सेमेस्टर या कितने कोर्सेज एग्जम्प्ट करके आपको फाइनली किस सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी एनरोल करेगी। ठीक है, अच्छा, एकेडमिक प्रोग्राम में जो हम ऑफर कर रहे हैं बीएस प्रोग्राम, ये फैकल्टी वाइज दिए हुए हैं, आप इनको देख लेंगे, हर फैकल्टी में बीएस प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, बीएस 4 ईयर हो गए, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2 ईयर है, डिप्लोमा जो है वो 1 ईयर प्रोग्राम होंगे, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के प्रोग्राम भी आपके सामने आ रहे हैं, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस के भी आ रहे हैं, एजुकेशन के भी आ रहे हैं। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आप देख रहे होंगे कि मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी एमएड जिसको बोलते हैं, उनको ये प्रोग्राम जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं, बाकी सारे मास्टर प्रोग्राम क्लोज हैं एक्सेप्ट एमएड प्रोग्राम। ठीक है, जी एमएड में एडमिशन ओपन है और इसके बारे में जरूरी है कि जिस बंदे ने एमएड में अप्लाई करना है उसने बीएड किया हुआ हो। ठीक है, एटलीस्ट बीएड 1 ईयर जो है वो उसने किया हुआ हो, अगर बीएड नहीं किया, इसके अलावा उसने जो कुछ भी किया चाहे पीएचडी कर ली है, तो वो एलिजिबल नहीं। ठीक है जी, आगे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के और फैकल्टी ऑफ बायो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडमिशन। अच्छा, एमएस प्रोग्राम हम जो हैं, जैसा कि ऊपर जो है वो अगर आप देखें फैकल्टी ऑफ सीएस एंड आईटी, अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसमें हम ये एमएस का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड सीएस। द ओनली एमएस दैट वी आर ऑफरिंग राइट नाउ इज द कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, इसके अलावा कोई एमएस कोई एमफिल प्रोग्राम हम फॉल 2021 में ऑफर नहीं कर। अच्छा, इसके बाद जो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका जो मेरिट है वो लैब की बेस पे बनेगा, और जिन सिटीज़ में हमारी लैब है वो यहाँ पे दर्ज है, लाहौर, पेशावर, एबटाबाद, बावल नगर, डीजी खान, सकरदू, फैसलाबाद, कराची, सकमा, जेलम, पत्तोगी, मुजफ्फराबाद, लसबेला, क्वेटा, मुजफ्फरगढ़, जलालपुर, कोटवाला, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरखान, बावल नगर, ननकाना साहब एंड गिलगित। ठीक है, तो इन सिटी में मेरिट है वो लैब्स की अवेलेबिलिटी की बेस पे बनेगा, उन प्रोग्राम्स में जो दिए हुए हैं ये बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बीएस जूलॉजी और डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट, एक क्विक रिव्यू के लिए हमने एक चीज बनाई है, एडमिशन एलिजिबिलिटी एंड प्रोग्राम ड्यूरेशन। ठीक है, ये हमने आपकी क्विक रिव्यू के लिए, ताकि आप इसको देख लें कि कौन सा प्रोग्राम नेम है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, और प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है, ये 2 ईयर प्रोग्राम है और 4 ईयर जो है इस 4 इसके सेमेस्टर होंगे, हर प्रोग्राम का जो मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट या ड्यूरेशन है वो लिखा हुआ है, राइट। एमएड का 1 ईयर है, 2 सेमेस्टर। यहाँ पे एक सवाल और भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि भाई 2 साल का प्रोग्राम है तो अगर मैं 2 साल में कंप्लीट ना कर पाऊँ तो कितने साल हैं मेरे पास कंप्लीट करने के लिए। सादा सा जवाब ये है कि अगर कोई प्रोग्राम 2 साल का है तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है स्टूडेंट के पास उसे मुकम्मल करने के लिए वो डबल है, यानी 2 साल के प्रोग्राम को वो 4 साल में मुकम्मल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज्यादा जाएगा तो यूनिवर्सिटी की प्रियोगेटिव है कि उसको अलाउ करे या ना करे। ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम 1 ईयर का है तो वो मैक्सिमम 2 साल में मुकम्मल कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, राइट। तो ये हर प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी है
वो आपने अच्छी तरह से देख लेनी है। ठीक है जी, ये आप देख लेंगे, ये पब्लिश हुआ हुआ है सारा, वेबसाइट पे आपके पास मौजूद है, ये आप देख लेंगे। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एडमिशन विल बी ऑफर्ड एज पर स्केड्यूल पब्लिश्ड, यानी इसकी जो डेट्स हैं कोर्स एग्जामिनेशन अप्लाई करने की, एडमिशन अप्लाई करने की लास्ट डेट्स वो ऑब्जर्व की जाएंगी, राइट, अनटिल अनलेस हेड ऑफिस में कोई चेंज नहीं करते। अच्छा जी, एप्लीकेंट कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं? दोज हु फुलफिल द एडमिशन एलिजिबिलिटी, वो हर बंदा अप्लाई कर सकता है जो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है। ठीक है जी, यहाँ पे नंबर टू पे एंट्री ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी पास 14 ईयर एजुकेशन आर अबव सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। नंबर वन, सच कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर एडमिशन इन बीएस प्रोग्राम, यानी बीएस में वो अप्लाई करेगा तो कोर्स एग्जम्पशन मिलेंगे एंट्री रूट के थ्रू, अगर वो एडीपी में करता है तो नहीं मिलेंगी। ठीक है जी, इसी तरह से इक्विवेलेंस कमेटी डिसाइड करके, वो जो पहले मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से, कि इक्विवेलेंस कमेटी डिसाइड करके बताएगी कि वो उसको कितने कोर्स एग्जम्प्ट होंगे और कितने सेमेस्टर एग्जम्प्ट होंगे। अच्छा, रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट, ये एक बड़ा हॉट क्वेश्चन आपको आएगा कि अभी चूंकि रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुए तो हम कैसे अप्लाई करें। उसका जवाब ये है कि जो रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी। नंबर वन, डेट शीट या रोल नंबर स्लिप, और उसके बाद होप सर्टिफिकेट। अब होप सर्टिफिकेट की दो किस्में होंगी, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो किसी अदारे की तरफ से अपीयर हुआ हुआ है तो वो अदारा उसको होप सर्टिफिकेट देगा। ठीक है जी, अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट अपीयर हुआ है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको उसका अदारा नहीं दे रहा होप सर्टिफिकेट, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि वो स्टाम्प पेपर पे हमें एफिडेविट दे यूनिवर्सिटी को। उसका जो टेक्स्ट है एफिडेविट, जो सैम्पल है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब अप्लाई करेगा तो वहाँ अवेलेबल होगा, वो वहाँ से डाउनलोड करके वो स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट जो है वो लिख के अपने साइन करके उसको अटेस्ट करवा के, या नोटरी पब्लिक से उसको वेरीफाई अटेस्ट करवा के, या ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवा के, या गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो भी जो रिजल्ट अवेटिंग होंगे वो भी होप सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई करेंगे, वो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट लें। और होप सर्टिफिकेट के लिए लेने के लिए जरूरी है कि वो ईमेल करें certificate@vu.edu.vk। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि CNIC या बी फॉर्म या NICOP नंबर, दैट इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, CNIC अगर कोई गलत लिख देता है अपनी जगह, अपने वालिद का लिख देता है, अपने गार्डियन का लिख देता है, तो ये मिस स्टेटमेंट कंसिडर होगी और उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, फॉर्म उसका रिजेक्ट हो सकता है। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन द रजिस्ट्रेशन इंटरफेस मस्ट बी रीडेबल। अच्छा, एक यहाँ पे सवाल आ सकता है, लोग आपसे पूछेंगे कि हमने एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो वेरी सिंपल, कोई हार्ड कॉपी फॉर्म किसी कैंपस के पास किसी जगह पर अवेलेबल नहीं है, तमाम लोग ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे। अलबत्ता ऑनलाइन फॉर्म जब फिल हो जाए उस फॉर्म का एक प्रिंट ले लेंगे और वो प्रिंट अपने डॉक्यूमेंट्स जो उसने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं उनकी 3 कॉपियाँ उस फॉर्म के साथ लगा के अपने कैंपस में, अगर वो कैंपस बेस्ड स्टूडेंट है तो इमीडिएटली अपने कैंपस में जमा करवाएंगे, और अगर वो होम बेस्ड स्टूडेंट हैं तो वो हमें डायरेक्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस में भेजेंगे, एडमिशन सेक्शन पर एड्रेस जो है वो लिखा हुआ है, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। ये बात जहन में रहे, ये आप बताएं एप्लीकेंट्स को कि सिर्फ उन लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर लेटर और स्टूडेंट आईडी कार्ड इशू करेगी जिनके अटेस्टेड कॉपी सेट 3 अदद हेड ऑफिस को वसूल हो जाएंगे, जिनके नहीं वसूल होंगे उनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर लेटर और स्टूडेंट आईडी कार्ड इशू नहीं करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है सारा, ये जो बातें मैंने की हैं ये लिखी हुई हैं,
अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है आपके पास, और सवाल आएंगे जी। मैंने ए लेवल ओ लेवल किया हुआ है, या मैंने दीनी मदरसे जो है उनसे शहादतुल आलमिया किया है, शहादतुल सानिया किया है, तो हम कैसे अप्लाई करें? तो आप उन्हें कहें कि आप ए लेवल ओ लेवल और दीनी असना जो आपने की हैं उसकी IBCC की जो इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है उनसे इक्विवेलेंस लें, उनसे इक्विवेलेंस लें पहले, और वो इक्विवेलेंस जो है वो प्रोवाइड करें, उनकी बेस पे आप वो अप्लाई करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट जो पहले भी स्टूडेंट हैं लेकिन वो नया कोई दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना पुराना एडमिशन पहले कैंसिल करें, फिर जो है वो नए दाखिले के लिए अप्लाई करें। अगर वो पुराना कैंसिल नहीं करते और नए के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या वो पेंडिंग हो सकता है, ठीक है जी। इसमें एक बात और कि ऐसे लोग जो, ये भी सवाल आ सकता है, जी मैं 0 सेमेस्टर का स्टूडेंट था, मैं पास जब हो जाऊंगा तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा? क्या मुझे भी अप्लाई करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी मुझे नए प्रोग्राम में दाखिला दे? नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। 0 सेमेस्टर को क्वालिफाई करेगा तो वो नए सिरे से जिस प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहता है एक्सटर्नल कैंडिडेट की द एडमिशन फॉर्म फिल करेगा, फीस सबमिट होगी और वो भी इक्वली ट्रीट होगा जैसे दीगर ट्रीट होगा। एक तो और सवाल जो बहुत ज्यादा आएंगे, नंबर वन कि जी मैं पुराना स्टूडेंट था, मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया है, तो मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बताएं मैं क्या करूँ? एडमिशन जो कैंसिल हुए होंगे उनके दो सिनेरियो होंगे मेजर। नंबर वन, ऐसे लोगों के एडमिशन कैंसिल हुए होंगे जो 2 सेमेस्टर या 2 से ज्यादा सेमेस्टर जिन्होंने फ्रीज किए होंगे और उन्होंने फिर कंटिन्यू नहीं किया होगा, तो उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल हुआ होगा, ठीक है। अगर उनका एडमिशन कैंसिल हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव सेमेस्टर फ्रीज, याद रहे कि उनका जो एडमिशन है वो बहाल नहीं होगा, वो नए सिरे से एडमिशन लेंगे और कोर्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे। कोर्स एग्जम्पशन वो इक्विवेलेंस कमेटी डिसाइड करके बताएगी कि कितने ट्रांसफर होंगे और कितने नहीं होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ होगा ड्यू टू इनएक्टिविटी, बीइंग इनएक्टिव स्टूडेंट। तो अगर आप प्रोफाइल में देखें कि इसका एडमिशन ड्यू टू इनएक्टिविटी कैंसिल हुआ है, उसके लिए ऑप्शन है कि वो री एडमिशन के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है जी। ये दो मेजर चीज। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जी मेरा सेमेस्टर फ्रीज है तो मैं कब अनफ्रीज करूं? तो जवाब ये है कि आइडियली आप सेमेस्टर अनफ्रीज नया सेमेस्टर जो 1 नवंबर से शुरू होगा उससे 2-4 दिन पहले अनफ्रीज कर लें, लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं तो उसकी मैक्सिमम डिले जो है वो ये है कि नया सेमेस्टर 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, उसकी जो कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपने अनफ्रीज करके तो कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर वो कर लेते हैं तो गुड, अगर नहीं करते तो फिर जो है वो नहीं अनफ्रीज होगा, फिर अगले सेमेस्टर तक उसको वेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये इसके अलावा और भी कोई जो है वो चीज़ें आ सकती हैं, लोग जो हैं वो सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो क्वेश्चंस थे वो ये। एक और भी आ सकता है कि मैं फॉरेन नेशनल हूँ जी, तो मैंने अप्लाई करना है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, तो ठीक है। इसमें दो सूरतें होंगी। अगर वो फॉरेन नेशनल बाहर रह रहा है तो हमें एफिडेविट देगा कि वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से वीज़ा इशुएंस के लिए कोई डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो एफिडेविट दे देता है और वो बाहर रह के पढ़ना चाहता है तो दैट्स इनफ, वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो कहता है कि मैंने पाकिस्तान में रहते हुए पढ़ना है और मैं फॉरेन नेशनल हूँ, तो वो हमें अप्लाई करेगा, साथ अपने डॉक्यूमेंट भेजेगा, हम उसका केस जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन और जो वेटिंग एजेंसीज हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर उनको भेजेंगे। ये दोनों, हायर एजुकेशन कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, अगर अलाउ करती है तो हम उसको बता देंगे, फिर वो अपनी फीस वगैरह जमा करवा देगा, ठीक है जी। ये बेसिकली ये 2-4 जो मेजर क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको गाइड कर दिए हैं।
आपने जो काम करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छी तरह से खंगाल लेना है, प्रोग्राम्स के मुताबिक जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं वो आपको याद होने चाहिए। ये जो बातें खास तौर पे एंट्री रूट के लिए जो आए स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री इन्वॉल्विंग 14 ईयर एजुकेशन 15 ईयर अबव, तो उनको आपने बताना है कि अगर आपने एंट्री रूट से आना है BS में तो कोर्स एग्जम्पशन अप्लाई। याद रहे जो बंदा कोर्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई नहीं करेगा उसको कोई कोर्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगी चाहे उसने जो भी किया हो। ठीक है, एक तो आप जो हैं सबा है आप हैं अलीम, तो आप 9 बजे कल जो है आप रात को मैं आपको ना कंफर्म कर दूंगा। सबा आप भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा अपना व्हाट्सएप नंबर, या मैं शाह साहब से आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आई हैं तो उनको मैं कह दूंगा कि आपका नंबर मुझे भेज दें। अगर आपका ठीक वही नंबर है जो व्हाट्सएप पे भी वही है तो मैं वो एक ग्रुप बना के इंफॉर्मेशन डेस्क फॉल 2021 उसमें आपको ऐड कर लेता हूँ। जो भी कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो इमीडिएट है वो हो जाएगी। तो मैं शाम को इंशाल्लाह आपको कन्वे यस करूँगा कि आपने संडे को उधर कितने बजे पहुँचना है, और मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि यस संडे को आऊँ और यहाँ पे अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल हुई तो उससे निपटा जा सके। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन डेस्क की अगर हो गई है वेरी गुड तो वो फिर आपको चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे हैंड ओवर और लॉग इन करके मैं दे दूँ खुद, तो आप फिर बैठूँगा आपके पास ताकि आपको काम करते हुए ऑब्जर्व किया जा सके, कोई मुश्किल पेश आए तो आप पूछ लें। एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है, अगर कोई क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछा है एंड यू आर नॉट श्योर कि जो जवाब आप उसे देने लगे हैं वो दुरुस्त है या नहीं, तो आपने उसको जवाब नहीं देना। आपने उसका नंबर नोट कर लेना है, मुझसे डिस्कस करना है, और उसके बाद जो है वो आप उन्हें जवाब देंगे कि ये जी ये इसका जवाब गलत जो है वो किसी को रिप्लाई नहीं करना। कोई बंदा कॉलर विजिटर हमें ये ना कहे कि आपके इंफॉर्मेशन डेस्क से हमें मिसगाइड किया गया। ठीक है, तो यस आपने गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी, उसको होल्ड कर लें, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लें, और मुझसे डिस्कस करने के बाद आप उसको कॉल करें और उसका जो जो भी रिप्लाई है आपने जो देना है वो दें। ये मोटी मोटी बातें थी, आपके जहन में और कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। सलीम फर्स्ट। ये डिप्लोमा का पूछना था, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? हाँ, डिप्लोमा प्रोग्राम में ओके जो एलिजिबिलिटी है वो है मिनिमम 14 ईयर एजुकेशन। मतलब ये है कि अगर किसी ने BA किया हुआ है तो वो भी दाखला ले सकता है 14 साल वाला, अगर किसी ने बैचलर डिग्री की है 16 ईयर वाली तो वो भी ले सकता है, अगर किसी ने PhD किया है तो वो भी ले सकता है। यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर 2 ईयर है, इससे ऊपर अगर क्वालिफिकेशन कोई भी है तो वो दाखिला जो है वो ले सकता है। फीस के मुतल्लिक जो सवाल आएंगे, फी एडमिशन फी वगैरह तो आप देख लेंगे वेबसाइट पर जाके मौजूद है, यहाँ पे ये आप यहाँ पे जाएंगे तो फी स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है, इफ यू लुक एट देयर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस जो प्रोग्राम की फीस क्या है। ये लोकल ओवरसीज और अदर्स कैजुअल जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, इस पे भी आपने एक नज़र जो है वो डाल लेनी है, तो ये आपके पास होनी चाहिए कि एडमिशन फी क्या है। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम सब एक ही है, BEd ऑफर नहीं कर रहे, या BEd की जो है वो एक ही है, बैचलर 2 ईयर ऑफर नहीं कर रहे, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है। अब ये भी सवाल आ सकता है कि बैचलर 2 ईयर अब क्यों नहीं ऑफर कर रहे, दैट हैज़ बिन रिप्लेस्ड विद एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स। इसके अलावा ये सारी लिखा हुआ है जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी एडमिशन फी, उनकी रजिस्ट्रेशन फी, उनकी सिक्योरिटी प्रोसेसिंग फी वगैरह। अच्छा, एक सवाल और भी हो सकता है कि जी मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो नाउ व्हाट विल नेक्स्ट। आंसर ये है कि आप एडमिशन के लिए जब अप्लाई कर देंगे
और फॉर्म जो है वो हमारे पास सबमिशन लिस्ट में आ जाएगा। यानी आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि 500 रुपये का या तो आपने प्रॉस्पेक्टस लिया हो या फिर वाउचर जो है वो परचेज किया हो और वो वहाँ पे आपने सबमिट किया हो। जब आपका फॉर्म आपने प्रोसेसिंग फी 500 जमा करवा दी होगी और बैंक ने उसको सिस्टम में अपडेट कर दिया होगा तो वो फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। अब फॉर्म जो है अगर आपने कंप्लीट फिल किया है और तमाम डॉक्यूमेंट उसी तरह अपलोड किए हैं जो रिक्वायर्ड थे, रीडेबल हैं और आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपके फॉर्म्स में कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, दानिश्ता फॉर एग्जाम्पल आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी है या आपने जो है वो आपने नंबर जानबूझ के मार्क्स वो गलत लिखे हुए हैं, थोड़ा बहुत फर्क हो तो ठीक है लेकिन एब्सोल्युटली गलत हो तो उस सूरत में जो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट के बाद आप दोबारा फॉर्म नए सिरे से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई छोटी मोटी कमी है तो हेड ऑफिस जो है उस फॉर्म को पेंडिंग रखेगा। जब आपका फॉर्म पेंडिंग होगा तो आपको यानी कैंडिडेट को एक इंटीमेशन चली जाएगी कि आपका फॉर्म पेंडिंग है, आप 3 इस वजह से पेंडिंग है, आप 3 दिन के अंदर अंदर आप वो वजह जो है वो दूर कर दें, डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना है तो कर दें। अगर 3 दिन के अंदर वो कर दें तो वो फॉर्म दोबारा हमारे पास आ जाएगा रिव्यू के लिए, अगर वो नहीं करता तो वो फॉर्म ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा और रिजेक्ट के बाद फिर वो दोबारा जो है वो अप्लाई कर लेगा अगर करना चाहे तो नए सिरे से। ठीक है जी, तो ये मेजर चीजें थी। सबा आपने बेटा कुछ पूछना हो? नो सर, सिर्फ फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछना था, वो आपने गाइड कर दी। हाँ, ये दोनों आपने देख लेने हैं, ओवरसीज वाला भी और लोकल वाला भी, ताकि आपको जो है वो दोनों के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, यस सर, ठीक है, फिर इंशाल्लाह ये वीडियो मैं शेयर भी कर दूंगा, आप मजीद इसको देखना चाहें तो अवेलेबल हो। दीगर जो इन्फॉर्मेशन डेस्क ऑफिसर अगर आपके साथ कोई ज्वाइन करें जो आज हमारे साथ सेशन में जो है वो ज्वाइन करें उन्होंने किया, तो ये उनके लिए अवेलेबल होगी। और इसके अलावा स्टडी प्रोग्राम चेंज के वाले से भी क्यूरी आ सकती है कि मैंने जी पहले प्रोग्राम मेरा और था, अब मैं स्विच करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ठीक है उसका एक ऑप्शन है, वो स्टडी प्रोग्राम चेंज के लिए अप्लाई करें अपने LMS से जाके, उसकी जो प्रेस्क्राइब्ड फी है वो जमा करें, तो स्टडी प्रोग्राम चेंज जो है वो प्रोसेस करने के बाद उनको इंटीमेट कर देगा। और जो कोर्सेज रेलेवेंट क्वालिफाइड कोर्सेज होंगे जिनके ग्रेड्स एज पर पॉलिसी ट्रांसफर हो सकते होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, बाकी रिमेनिंग जो है वो है पढ़ने होंगे। रीएडमिशन कैसे होगा? रीएडमिशन के लिए भी वो अप्लाई करेंगे LMS से जाके, तो रीएडमिशन सेक्शन जो है वो प्रोसेस करने के बाद उनको प्रॉपर जो है वो इंटीमेट कर देगा। ठीक है, ये मेजर क्वेश्चन है। एक और आ सकता है कि मैं जी पुराना स्टूडेंट हूँ, पुराना कैंसिल करके नया लेना चाहता हूँ, तो कैंसिल कैसे करना है? LMS से जाके अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट लेंगे, प्रिंट लेके स्टूडेंट कार्ड जो वीजू का है वो जो उसको दिया था वो साथ अटैच करके CNIC कॉपी लगा के हेड ऑफिस भेजेंगे। हेड ऑफिस जैसे ही रिसीव करेगा तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। याद रहे एडमिशन कैंसिल ईमेल पे नहीं होगा, उसके लिए हार्ड कॉपी एप्लीकेशन का आना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह जो है वो थैंक यू फिर सर। कल मुलाकात हो और रब्ता रहेगा व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह। तो टेक केयर ऑफ यू, अपना ख्याल रखें, और आपके पास वक्त हो तो ये जो चीज़ें मैंने कही हैं इसको ज़रूर देखें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक अल्लाह।